टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का जो पोजिशन क्या था, एक्स इक्वल टू जीरो है, ये आपको एक कंडीशन दे रखा है। पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो अभी आप हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो डी एक्स बाई डी टी होता है। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है। इसको हम ऐसे देखते क्या कि वी इंटू डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको दोनों साइड से हम लोग इंटीग्रेट कर दें, अगर बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो इंटीग्रेशन आता है आपको, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी क्या देगा आपको, ये हमको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। और आपने एक इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा इनडिफिनिट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में आपको याद होगा, ठीक है, याद करने की कोशिश करोगे तो कुछ लिमिट पुट किया जाता था यहाँ पे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, याद है? डेफिनेट पढ़े नहीं है लेकिन पता है। सबको पता होगा, कुछ उसमें खास नहीं होता है डेफिनेट में, ठीक है। यहाँ पे दो लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। कैसे पुट करते हैं, तो आपको दे रखा है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे है, एक्स इक्वल टू जीरो है। अगर आप इसको क्या करोगे, आप टी के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हो और इसको एक्स के टर्म्स में कर रहे हो, तो टी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे हम लोग जीरो, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है, पार्टिकल का पोजिशन कहाँ पे था, पोजिशन था पार्टिकल का एक्स इक्वल टू जीरो। अब पूछ क्या रहा है, तो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड देख लेंगे तो क्या होगा, 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल का पोजिशन कहाँ पे होगा। तो मान लेते पार्टिकल पोजिशन क्या है, एक्स है, पार्टिकल पोजिशन क्या है, एक्स है, जब टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इसको बस क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ठीक है। और वी को आपको पुट कर सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ इंटू टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपको डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, इन्वर्स होता है, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और लिमिट हम लोग ऐसे पुट करते हैं 0 से x, इसको इधर लिख लेता हूं मैं, ज्यादा बेटर रहेगा। इसको आप नोट कर लोगे, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपको x 0 to x, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे, पहले आप सिंपली इंटीग्रेट करोगे, उसके बाद लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। dx हमने इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन आ गया एक्स, और लिमिट पुट कर दिया 0 और x। अब उस तरह से इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो बताओ क्या आएगा, ठीक है। कैसे करेंगे इंटीग्रेट को बताओ, आता है ना, मैं डायरेक्टली लिखूं क्या, वी नॉट इंटू टी, जिसको नहीं आएगा पूछना, ठीक है, क्लास लाइव चल रहा है, अगर नहीं आता हो इंटीग्रेशन तो बिल्कुल पूछेंगे, नहीं तो मान के चल रहा हूं मैं सबको आता होगा। इसका इंटीग्रेशन ए होगा, अब किसी को नहीं आता तो बताओ किसको नहीं आता है, यहां पर हो जाएगा एक्स। चलो यहां तक बताओ, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, यस इंटीग्रेशन करना सर। आता है ना, वेरी गुड। नहीं आता है तो कोई पूछोगा बाद में, फिर से पूछेंगे नहीं हम, क्या आता है कि नहीं आता, फिर मान के चलेंगे कि आता है आप लोगों को। अब क्या करेंगे, अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिमिट है, यहाँ पे क्या है, 0 है, तो पहले क्या करेंगे, टी इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, पहले टी इज इक्वल क्या पुट कर देंगे, तो वी नॉट इंटू 1 प्लस, लिमिट कैसे पुट करते हैं बता देता हूँ, 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ इंटू 1 का क्यूब बाई 3, ठीक है। ये हमने क्या किया, पहले अपर लिमिट पुट किए, पहले हमने अपर लिमिट पुट किया, अपर लिमिट क्या था, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट, और इस चीज को बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, एल फॉर लोअर, एल फॉर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो पहले हमने 1 पुट कर लिया, जहां जहां पे टी था वहां पे 1 पुट कर लिया। अब क्या करेंगे, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू पुट करेंगे हम लोग 0, तो टी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। वी नॉट इंटू 0, g/2 × 0² f/3 × 0³, सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे हम लोग 0। अगेन उस तरह से अब क्या करेंगे, x इक्वल टू पहले x पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे,
एक्स के जगह पे एक्स पुट कर दिए, अब एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, जीरो, तो माइनस जीरो। क्लियर है? यस ठीक है, तो आपको एक्स ही निकालना था ना। ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, तो वी नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इससे आंसर मैच कर लोगे, जहां तक आंसर दिख रहा है मेरे को, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जिस तरह से आप, ठीक है, पोजीशन से वेलोसिटी आप डिफरेंशिएट करके निकालते हो, उस तरह से वेलोसिटी से पोजीशन निकालना होगा, तो क्या करोगे आप, इंटीग्रेट करके निकालोगे। इसको नोट कर लो, इस क्वेश्चन को बहुत स्लोली स्लोली बताया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फोर्थ था ना? सर, एक बार फर्स्ट वाला ही बता देंगे। हाँ बता देंगे, जरूर बता देंगे, जो पूछोगे सब बताएंगे। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे स्टार्टिंग में हम लोग, धीरे धीरे एक बार आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए तो फिर हम लोग तेजी से पढ़ेंगे। बताओ, नोट कर लियो, नोट करते हुए चलोगे सब चीज, स्क्रीनशॉट ऑफ ये सब लेना नहीं है, जितना लिखोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। चलो नोट कर लियो, यस सर। ए आपको इंटीग्रेशन करना आ गया और लिमिट पुट करना आ गया, आगे कभी भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन भी कोई पूछ रहा था, ए पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, देन 20 मीटर ईस्ट, देन 32 मीटर साउथ वेस्ट, हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन पोजिशन इज, ओरिजिन से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, इसको मैं डिलीट कर दूं क्या, इरेज कर दूं, कर दूं? यस सर, यस सर, नोट कर लिया। ओके, थैंक यू। इसमें क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत हो रहा था? उसको अटेम्प्ट कैसे करें, क्लियर नहीं हो रहा था। मैंने आंसर इसमें कोई मैच नहीं कराया था जो आ रहा था। देखो, अगर आप देखोगे तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये हमारा क्या होता है, साउथ, ये हमारा क्या होता है, ईस्ट, ये हमारा क्या होता है, वेस्ट, ये तो जानते हो ना, ये जानते हो, यस सर, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब ओरिजिन से एक पर्सन मूव करना शुरू किया है 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, 30 मीटर, तो एक पर्सन यहाँ से चलना शुरू करता है, ठीक है, इधर से, और यहाँ से चलते चलते कहाँ पहुँच जाता है, ये चल गया 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर क्या बोलता है, तो उसके बाद 20 मीटर क्या चलता है, वो ईस्ट डायरेक्शन में चलता है, ईस्ट क्या होगा, यहाँ से 20 मीटर चल गया ये ईस्ट डायरेक्शन में, फिर उसके बाद क्या होता है, 32 मीटर किधर चलता है, क्या चलता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ए डायरेक्शन समझ में आता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ और वेस्ट के बीच की तरफ में एक्सटेंड कर साउथ और देंगे। वेस्ट के बीच का, तो ऐसा आएगा, देखोगे तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या होगा, ए वाला डायरेक्शन होगा ना, ए डायरेक्शन क्या होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगा, ए डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगा, अगर देखोगे तो ये ईस्ट नॉर्थ बोल ले या नॉर्थ ईस्ट बोल ले, दोनों बात क्या है, सेम ही है। ठीक है, ए डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, ये डायरेक्शन लिखने के लिए बताया गया होगा, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस्ट साउथ या फिर साउथ वेस्ट। ठीक है, उस तरह से इसको लिखना होगा, तो ये डायरेक्शन कितना हो जाएगा, डायरेक्शन पहचानने के लिए आना चाहिए आपको, बेस्ट नॉर्थ, ठीक है, या फिर नॉर्थ वेस्ट, मतलब 45 डिग्री एंगल होगा बीचों बीच वाला। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट भी बोल सकते हैं। उस तरह से ये डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, इस डायरेक्शन साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट साउथ, ठीक है, एग्जैक्टली 45 डिग्री पे। ठीक है, एग्जैक्टली 45 डिग्री पे। अब बोलता है कि यहाँ से ए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन चला गया, तो यहाँ से कितना चला गया है, ऐसे चला गया है, यहाँ से चला गया कितना, तो 32 मीटर चला गया। तो बताता है कि बताओ इसका जो पोजीशन होगा कितना होगा, कहाँ से, ओरिजिन से, ओरिजिन से कितना पोजीशन होगा, ये वाला पोजीशन होगा ना, फाइनल कितना होगा, ये वाला होगा, होगा कि नहीं होगा, निकाल सकते हो, बताओ निकाल लोगे, कुछ नहीं करना है, तीनों डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है, वेक्टर सम करना है, एक डिस्प्लेसमेंट आपका 30 इधर की ओर है, 20 आपका इधर की ओर है, और तीसरा कितना है,
तो तीसरा आपको 32 इस डायरेक्शन में है। तो जो फाइनल होगा, रिजल्टेंट होगा, तीनों का रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आपको वेक्टर सम ऐड करना बताया है, इनिशियल से लेके फाइनल तक, ठीक है। ये वाला लाइन होगा, थोड़ा छोटा बन गया, ये बात समझ में आ रहा है? बताओ यस सर। सम कर लोगे, वेक्टर सम यस सर। कैसे करोगे? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि ये देखो, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री पे होगा ना, ये दोनों क्या होगा 90 डिग्री, इस दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, तो यहां से लेके यहां तक होगा रिजल्टेंट, होगा कि नहीं होगा? यस सर। पर डायरेक्शन सर इसमें नॉर्थ ईस्ट आ जा रहा है और ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट दिया ही नहीं हुआ है। डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन तो डिपेंड करना कि इसका मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 900 प्लस 400 कितना जाएगा इसका, 10√13। और यहाँ पे कितना जाएगा इसका, जाएगा 900 प्लस 400 कितना हो गया 1300, इसका अंडर रूट करेंगे कितना आ जाएगा, 10√13। कितना कितना बोल रही हो, 10√13, वो तो ठीक है। तो ये चीज क्या आएगा, और यहाँ पे क्या है, 30√2 है, तो मतलब जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट होगा वो छोटा है ना, इसका मतलब इस डायरेक्शन में ये जो 30√2 क्या होगा, इतना दूर चल गया होगा ना। yes, बोलो yes, ये क्या करेगा, जादू चल गया होगा ना। तो 30√2 माइनस करोगे 10√13, आपको क्या डायरेक्शन आ जाएगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगा। सर हम भी ऑप्शन ए ही सोचे थे लेकिन आंसर इसमें सी दिया हुआ था, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। ना ना ना, ऐसा कैसे होगा? ये ऐसे एग्जैक्टली आएगा भी नहीं सर। सर हाँ सर, ये 30√2 जो आई थिंक उतना ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, वो वेस्ट के तरफ लाई करेगा। 30√2 वेस्ट की तरफ लाई करेगा सर, मतलब जो एंगल है इसको ना, इसको सॉल्व करके देखना ना, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा चीज है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है। इसका कंपोनेंट दो ब्रेक कर लो, 30√2 का एंगल आपको 45 पता है ना, इसका दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो किधर की ओर आ जाएगा और एक आ जाएगा आपको इधर की ओर, तो ये वाला तो कैंसिल हो जा रहा है ना, ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो जो नेट डायरेक्शन बच रहा है आपको इस डायरेक्शन में बच रहा है, जो नेट बच रहा है आपको इस डायरेक्शन में बच रहा है, क्योंकि जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा भी नहीं। रिजल्ट देखो देखो, थोड़ा सा अच्छा कुछ मैं वापस से कर देता हूँ, मैं वापस से कर देता हूँ, सुनो सुनो सुनो, इसमें बस वेक्टर सम करना है, इसमें कुछ खास था नहीं, मेन जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आया, करना क्या है, आएगा बेस्ट के डायरेक्शन में ही, ठीक है। देखो हमने क्या किया, ये हमारा क्या हो गया 30 मीटर हो गया, ये हमारा कितना हो गया 20 मीटर हो गया, और ये हमारा एक और आ गया है, कितना आ गया है 30√2, ये एंगल कितना होगा, तो 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको एक्स बाई जे कंपोनेंट में लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, जे कंपोनेंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आई कंपोनेंट हो जाएगा, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 j कैप प्लस ये 20 है, सॉरी 20 i कैप, होगा कि नहीं होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट होगा ना, आई जे मान लेते हैं, आई जे मान लेंगे तो होगा ना इस तरह से, और इसको लिखोगे तो इसका क्या जाएगा, इसका हो जाएगा 30√2 इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और 30√2 cos 5 इतना आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ, इस वेक्टर का एक 30√2 है ना, इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 30√2 cos 45, और कितना आ जाएगा 30√2 sin 45, होगा कि नहीं होगा, यह आ जाएगा माइनस आई कैप, यह आ जाएगा माइनस जे कैप, ये बात समझ में आ रहा है? बोलो, इतना भारी क्वेश्चन नहीं है, अरे बोलो ना गधा लोग, इस वेक्टर को तो प्लस 30 जे कैप के बाद क्या बोले वो अलग ही होगी। अरे इसको, इस वेक्टर को अगर लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये वेक्टर क्या होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट होगा, वेक्टर पढ़े हैं, यस सर, ठीक है। अगर तीनों वेक्टर को आई जे और के फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा 30 j कैप, ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा 20 i कैप, और ये जो वेक्टर हो जाएगा, इस वेक्टर को लिख सकते हैं क्या हम लोग,
थर्टी रूट टू साइन 45 माइनस जे कैप प्लस 30 रूट टू साइन 45 माइनस आई कैप। ये देखोगे ए वेक्टर, ठीक है, इस वेक्टर का दो कंपोनेंट आएगा ना, एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट, इस दोनों का रिजल्टेंट ही होगा ना। ये रिजल्टेंट कितना होगा, 30 रूट टू कॉस 45, और कितना जाएगा 30 रूट टू साइन 45। डायरेक्शन देखोगे तो कितना जाएगा माइनस आई कैप, और कितना जाएगा माइनस जे कैप। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 30 माइनस आई माइनस जे कैप प्लस 30 माइनस आई कैप, होगा कि नहीं होगा बताओ, बोलो है, समझ में आया क्या? यस सर, अभी समझ आया, कंपोनेंट में ब्रेक करके आ जाएगा। ठीक है, तो देखोगे तो 30 जे कैप जे कैप तो क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया बस आपको यानी ए वाला और ए वाला तो क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 20 इधर बच गया और 30 इधर के बच गया, तो नेट किधर के हो जाएगा, जे डायरेक्शन हो जाएगा। जे डायरेक्शन किसको माने हमने, बेस्ट डायरेक्शन को माने हैं, तो आंसर सही है इसका 10 मीटर बेस्ट। ऐड करना बस तीनों वेक्टर को, क्लियर है? ओके, 1 2 3 4 5 में दिक्कत किसी को नहीं ना? अरे हाँ ना, बोलो तो कुछ तो। नहीं सर। ओके, आगे चल रहे, पीछे नहीं लौटेंगे। एक्सरसाइज पेज नंबर बताओगे एक बार? एक्सरसाइज टू हो गया, एक्सरसाइज थ्री, एक्सरसाइज थ्री में बताओ कौन सा क्वेश्चन था। 1 2 3 दिए थे यहाँ पे, कौन सा? तीसरा। The position coordinate of an object are given by this, this, this. The average velocity of the particle during the interval 0.1 second. तो क्या दिक्कत है? ठीक है? बताओ क्या दिक्कत है? यहाँ पे x आपको दे रखा है, x ऐसे वेरी कर रहा है, y ऐसे वेरी कर रहा है, और z आपका ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक है? तो पूछता है कि 0.1 second में इस पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बताओ, वी एवरेज क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और आपको एक्स को दे रखा है, वाई को दे रखा है, जेड को दे रखा है, तो आप अगर देखोगे तो टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा, t इक्वल टू जीरो पे देखोगे तो x कितना आ जाएगा, जीरो, t जीरो पुट करो, यहाँ पे t जीरो पुट करो, ठीक है, और यहाँ पे t जीरो पुट करो कितना आ जाएगा, तो y भी कितना आ जाएगा, तो y देखोगे तो जीरो माइनस जीरो तो कितना आ जाएगा, जीरो, और z भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, यानी इनिशियल आएगा। अच्छा यहाँ पे t नहीं है क्या, तो z कितना आ जाएगा, माइनस फाइव हो जाएगा, z कितना आ जाएगा, माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इनिशियली देखोगे तो, हम इसको बनाते भी नहीं है, डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, मान लो कि पार्टिकल P पे था जिसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0, 0, कितना हो गया, -5। ये क्या हो गया, इनिशियल हो गया। अब पार्टिकल यहाँ से मूव करते करते कहाँ पहुँच गया है, तो फाइनल पॉइंट पहुँच गया है Q, कितना हो जाएगा, 0.1 सेकंड। अब क्या करोगे, तो T इक्वल टू 0.1 सेकंड पुट करोगे, आपका x आ जाएगा 2 × 0.1 का स्क्वायर, आया कि नहीं आएगा, बाई आ जाएगा, ठीक है, जेड आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, बोलो। तो यहां से कुछ क्वाड्रेंट आ जाएगा, मैं मान लेता हूँ एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड मान लेता हूँ, ठीक है, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स बाई जेड, आया कि नहीं आएगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे क्या? और दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये बताए कि नहीं बताए हैं, बाय माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, जेड माइनस ऑफ माइनस फाइव का होल स्क्वायर होगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और टाइम इंटरवल पता है तो वेलोसिटी आ जाएगा, आ जाएगा, यस सर, यस, निकाल लोगे, निकाल ले लो।
आगे बताओ, आगे तो हो गया ना, आगे हो गया। शुरू करें हम लोग आगे पढ़ना। बोलो मेरे नन्ना मुन्ना राही, आगे यस शुरू सर। करें। ओके ठीक है, हम लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे, टर्निंग का केस देख रहे थे ना। एक क्वेश्चन दिए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कोई बताएगा क्या था क्वेश्चन। एक्स इक्वल टू कुछ दे रखा होगा मैंने, ऐसा था क्या, टी क्यू बाई थ्री माइनस वन था कि टू था, माइनस टी था। माइनस टू था, ठीक है। और हमने पूछा था कि जीरो से लेके टी इक्वल टू, जीरो से लेके टी इक्वल टू 4 सेकंड ना, देख लेने टू का टू, ठीक है। टी इक्वल टू 2 सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस करेगा और कितना डिस्टेंस होगा, ये चीज हमने पूछा था। और इसमें बताया था कि ऐसे केस में हम लोग को ध्यान रखना होता है कि कहीं टर्निंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर पार्टिकल मान लो स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहा था, और चलते चलते मान लो किसी पॉइंट के हाँ हेलो हेलो हेलो, यस आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर, अच्छा कुछ हुआ था शायद, स्क्रीन शेयर है, ठीक है ना, यही सब दिक्कत है ऑनलाइन में, इंटरनेट कैसे चला गया था। मैं क्या बता रहा था कि ऐसे केस में आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अलग अलग आएगा अगर पार्टिकल मान लो कि टर्न कर जाता है कहीं से, ठीक है। ड्यूरिंग द मोशन अगर उसका डायरेक्शन जो है मोशन का अगर रिवर्स कर जाता है, उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, अलग अलग आएंगे, ठीक है। ये बात आपको कल एक एग्जाम्पल देके बताया था। तो टर्निंग कैसे निकलेंगे, कब पता चलेगा कहाँ पे टर्निंग हो रहा है, किस पॉइंट पे टर्निंग हो रहा है, कैसे देखेंगे, तो कल बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, तो डीएक्स बाई डीटी, ये सब कल किए थे हम लोग, नोट नहीं करना है, ठीक है। डीएक्स बाई डीटी हम लोग किए थे, तो डीएक्स बाई डीटी क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा। तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ गया था, वेलोसिटी इक्वल टू आ गया था आपको टी स्क्वायर माइनस ऑफ वन, टी स्क्वायर माइनस ऑफ वन। तो यहाँ पे देखे थे जब टी इक्वल टू वन पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। और उससे पहले वेलोसिटी क्या था हमारा, नेगेटिव था। और उसके बाद देखोगे तो वेलोसिटी क्या होगा, उसके बाद वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी जीरो से लेके वन तक हमारा वेलोसिटी कैसा है, तो वेलोसिटी हमारा नेगेटिव है, ठीक है। और वन के बाद हमारा वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। तो पहले नेगेटिव था, फिर वेलोसिटी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब
वेलोसिटी क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज किया है, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या हुआ है, चेंज हुआ है, तो हमको वेलोसिटी से पता चलेगा कि टर्निंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो भी टाइम इंटरवल दिया हुआ है उस टाइम इंटरवल में अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, उस केस में अपने को टर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा था तो ऐसा कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होता। ये बात समझ में आई थी, ये क्वेश्चन तो कल करा लिए थे ना हम लोग। अरे बोलने का है लाइव क्लास में ना, कोई ना कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि सर खोल के ऑन मतलब माइक ऑन करके बोलेंगे, ठीक है। टर्निंग को ही आगे हम बढ़ाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे वी इज इक्वल टू आपको दे रखा है टी माइनस 2 मीटर पर सेकंड, वी इज इक्वल टू टी माइनस 2 मीटर पर सेकंड। तो पूछता है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 सेकंड, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 सेकंड। चलो निकालो, निकालो। आवाज आ रहा है नहीं अभी, हाँ तुम्हारा आ रहा है, बोलो। सर। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज बता दीजिए कहाँ थी जी तुम, सर। बीच में थोड़ी देरी के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, उससे पहले ही बता दिए हम तो, मतलब रिकॉर्ड हो गया होगा। ठीक हो ही जाना चाहिए, नहीं है होगा तो सर, क्लास के एंड में थैंक बता यू। देंगे। डिस्कस कर चुके हम लोगों क्वेश्चंस किए थे ना जी डिस्कस।
हाँ हेलो हेलो हिमांगी, स्मृति आवाज आ रहा है क्या? सर, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, सॉरी, थोड़ा कनेक्शन पता नहीं क्या हो रहा है, अनस्टेबल टाइप का कनेक्शन है। आधे घंटे क्लास में दो बार तो डिस्कनेक्ट हो गए हम लोग। अच्छा, जो क्वेश्चन दिए थे, कोई बात नहीं। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? स्क्रीन दिख रहा है ना? कोई एक बोलो। अद्या, स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है। ओके, हाँ ठीक सर, दिख रहा है। है ठीक है। चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो दोनों को। एक का वेलोसिटी दे रखा है जो फंक्शन ऑफ टाइम, और आपको निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड। और सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, एंड निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो, किसी का आया आंसर? सर, पहले का डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर और डिस्टेंस 12 मीटर आ रहा है। पहले का डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर आ रहा है, और डिस्टेंस 12 मीटर। पक्का? पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो पहले तो क्या निकालोगे? वेलोसिटी को पहले आप इंटीग्रेट करके पोजीशन का क्या करोगे? पोजीशन का फंक्शन निकालोगे। वेलोसिटी को सॉरी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके क्या निकालोगे आप? पोजीशन का फंक्शन निकालोगे, तब ना देखोगे। पहली बात है, देखो कि जी टी इक्वल टू 0 से लेके टी इक्वल टू 4 सेकेंड में क्या वेलोसिटी हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा कि चेंज करेगा? तो टी इज इक्वल टू 0 पे देखोगे तो टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है? -2 मीटर पर सेकंड आएगा। टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या आएगा? गलत आंसर बताओ, कोई सही बताओ आंसर। तुम्हारा गलत आंसर जी। चलो हम करते हैं, देखना। हम करते हैं, देखना इसको कैसे करते हैं, ठीक है? देखो कि टी इक्वल टू 0 पे सही सोल्यूशन नहीं लाया कोई भी। कोई तो बोलो एक और आंसर, बाकी लोग सॉल्व नहीं क्यों? देखो, टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना आएगा? टी इक्वल टू 0 पर कितना आएगा? -2 मीटर पर सेकंड, -2 मीटर पर सेकंड। जबकि टी इक्वल टू 4 सेकंड पुट करेंगे तो कितना आएगा? टी इक्वल टू 4 सेकंड तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? टी इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो -2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी क्या हो गया? +2 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब वेलोसिटी अपना डायरेक्शन क्या किया है? चेंज किया है। वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज किया होगा, इसका मतलब एक डायरेक्शन में मोशन तो हो नहीं रहा, ठीक है? पहले अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है, अगर पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है, किसी टाइम के बाद पार्टिकल क्या क्या होगा? फिर इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया होगा, ठीक है? तो ऑब्वियसली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सेम तो आएगा नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले कैसे निकालेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको वेलोसिटी से क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी से आपको पोजिशन का फंक्शन चाहिए होगा। तो कैसे निकालते हैं पोजिशन का फंक्शन? इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करके, अभी बताए थे, ठीक है, कि v इक्वल टू क्या होता है? dx बाई dt होता है। v इक्वल टू dx बाई dt होता है। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? dx इक्वल टू हो जाएगा v dt हो जाएगा। इसको आप क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से लेके t तक। t का फंक्शन चाहिए 0 से t तक, ठीक है? t का एक फंक्शन चाहिए, ठीक है? और इसमें मान के चलते हैं कि टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है? एट ओरिजिन पे है, ठीक है? तो हो जाएगा 0 से लेके x, 0 से लेके x। तो क्या आ जाएगा यहाँ से?
पोजिशन का फंक्शन निकाल लिया हम लोग, इसको इंटीग्रेट कर दो, कितना आ जाएगा, तीत हो जाएगा x, इसको इंटीग्रेट करोगे लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा ये x, x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू t, ठीक है। अब v इज इक्वल टू आपको दे रखा है, v इज इक्वल टू कितना है t माइनस टू dt, t माइनस टू dt, ठीक है। तो वेलोसिटी दे रखा था, आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा t square minus 2 by 2t। तो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा आपको, आ जाएगा t square by 2 minus 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना जाएगा 2t। इंटीग्रेशन नहीं आता है तो पूछेंगे, नहीं तो मैं मान के चल रहा हूँ आता है आपको, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, तो फाइनली जो फंक्शन बन जाएगा अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, जैसा है वैसे ही रहेगा। t के जगह t ही पुट करना है और t इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया आपको, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, कितना आ गया तो t स्क्वायर बाय 2 माइनस कितना हो गया 2t, ठीक है, t स्क्वायर बाय 2 माइनस 2t। अब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा, इधर लिखते हूँ, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजिशन, यानी यानी x4 माइनस कितना जाएगा x0, x4 करने का मतलब क्या होगा, तो t इक्वल टू 4 पे देख लेंगे पार्टिकल का पोजिशन कितना है, तो 4 पे कितना जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कितना जाएगा 8, माइनस कितना जाएगा 8 कितना जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। x4 देखो, x4 यहाँ पे 4 पुट करोगे t इक्वल टू 4 सेकंड पुट करोगे कितना जाएगा 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कितना जाएगा 16 बाय 2 8 माइनस 2 इंटू 4 कितना जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, तो 8 माइनस 8 कितना जाएगा 0। तो x इक्वल टू 4 पार्टिकल कितना है 0 है, और x इक्वल टू 0 पे भी पार्टिकल कहाँ पे है 0 पे है, ठीक है। तो 0 माइनस 0 मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0 आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0 आ गया, यानी पार्टिकल जहां से शुरू किया था लौट के वापस वहीं पे आ गया, तभी क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सिर्फ अपने को फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की जरूरत पड़ती है, बीच में कैसा पाथ फॉलो किया उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन होता है, ठीक है। तो एक्स नॉट यानी एक्स फोर माइनस एक्स नॉट कर लिए तो क्या आ गया है डिस्प्लेसमेंट आ गया, लेकिन डिस्टेंस निकालने के टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्टेंस 0 तो नहीं होगा, डिस्टेंस होगा जो पाथ लेंथ हुआ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है टर्निंग का केस आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब टर्निंग देखोगे तो कहाँ पे हुआ होगा, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे देखोगे तो वेलोसिटी क्या हुआ होगा 0 हुआ होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू दे रखा है आपको t माइनस 2, यानी t इक्वल टू 2 पुट करोगे यहाँ पे तो वेलोसिटी क्या हुआ है 0, ठीक है। यानी t इक्वल टू 2 सेकंड से पहले वेलोसिटी क्या था नेगेटिव था, और t इक्वल टू 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव है। अगर हम इसको ग्राफ में दिखाया इस तरह से, यानी कोई पार्टिकल अगर यहाँ से शुरू किया है, ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यहाँ से कोई पार्टिकल चलना स्टार्ट किया है तो पहले 2 सेकंड तक ये क्या किया है निगेटिव डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी रहा है, यानी इस डायरेक्शन में मूव किया होगा, और उसके बाद t इक्वल टू 2 सेकंड पे इसके बाद वेलोसिटी क्या हो गया है यहाँ पे वेलोसिटी इसका 0 हो गया है। इसके बाद इसने डायरेक्शन क्या किया अपना चेंज किया है, और चेंज करके वापस क्या आ गया है यही पॉइंट पे आ गया है, यानी क्या है आपका फाइनल पॉइंट है, इसी कारण डिस्प्लेसमेंट क्या आया है 0 आया है। लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल लेंथ हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक गया और वापस यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। यानी अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चला होगा, यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों सेम ही होगा, ठीक है, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, x2 माइनस x0। ये बात समझ में आ रहा है क्या, x2 माइनस x0 क्या देगा, तो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 2 तक का डिस्प्लेसमेंट देगा। यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों क्या होंगे सेम होंगे, क्योंकि कोई डायरेक्शन चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है, तो जितना गया है उतना ही वापस आ गया, तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 आया, डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा था, इसका मतलब जहां से शुरू किया है वहीं पे आ गया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 इंटू x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पे t इक्वल टू 2 पुट करो कितना आ जाएगा 2 दुनी कितना आ जाएगा 4, 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा,
ठीक है, अब माइनस कितना जाएगा, 2 × 4, ठीक है, तो माइनस टू आ रहा है, माइनस टू, लेकिन डिस्टेंस लिख रहे हैं तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे ना, डिस्टेंस क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो जाएगा 2 − 0, ठीक है, आप ऐसे मोड भी लगा सकते हो, मोड, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 2 है, तो कितना आ जाएगा ये, 4 मीटर आ जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 मीटर आएगा। डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा था, निगेटिव आ रहा था, ऑब्वियस है, यहाँ से पीछे साइड में गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा था, निगेटिव आ रहा था, माइनस टू, लेकिन अपने को डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो 2 × 2 कितना जाएगा, 4 मीटर, बात समझ में आ रहा है, अरे बोलो, इतना सर एक बार डिस्टेंस कैसे फाइंड किया दोबारा बता देंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, 0, इसमें तो दिक्कत नहीं है किसी को, नहीं सर वो क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, अगर आपने पोजिशन का फंक्शन निकाल लिया एज ए टाइम, ठीक है, तो आप देख लो कि फाइनल पोजिशन क्या है, इनिशियल पोजिशन क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, लेकिन डिस्टेंस केस में क्या हो रहा था, ठीक है, डिस्टेंस अब 0 नहीं होगा, क्यों, पार्टिकल तो मूव कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल पहले नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यहाँ पे देखो पार्टिकल पहले नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था, कब तक, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड तक, क्योंकि टी इज इक्वल टू 2 से पहले देखोगे, इससे अगर छोटा टाइम लोगे तो वेलोसिटी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, टी इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और टी इज इक्वल टू 2 के बाद वेलोसिटी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, यानी वेलोसिटी पहले नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन में था, कोई पार्टिकल इधर क्यों मूव कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुआ, फिर पार्टिकल मूव करते करते वापस यहीं पर आ गया, ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस 0 हुआ क्या, डिस्टेंस हुआ क्या, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ प्लस यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ठीक है, तो एक अगर लेंथ निकाल दे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों लेंथ निकल जाएगा, ठीक है, तो ए वाला लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ए लेंथ कैसे निकालेंगे ना, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो क्या होगा, सेम ही होगा, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, अगेन उससे निकाल लेंगे x2 − x0, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 2 माइनस 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, 2 − 4 कितना आ गया, −2, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना −2, डिस्टेंस की बात करेंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा, डिस्प्लेसमेंट −2 क्यों आ रहा था, क्योंकि इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन को अगर नेगेटिव मानोगे इसलिए −2 आ रहा था, कि डिस्प्लेस क्या क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है, और नेगेटिव बस आपको डायरेक्शन बता रहा है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, पाथ लेंथ की बात करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर गया होगा और 2 मीटर वापस आया होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 मीटर, क्लियर है सबको, ठीक है, तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, पोजिशन वेक्टर फाइंड करोगे, ठीक है, पोजीशन फाइंड करोगे यानी x फाइंड करोगे, और x कैसे होगा, तो अगर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है तो आप इंटीग्रेट करके x निकाल सकते हो, और डायरेक्टली अगर x दिया हुआ है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया हुआ डायरेक्टली x, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं था, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं था, और कब टर्निंग होगा आप कैसे चेक कर सकते हो, तो वेलोसिटी का फंक्शन देख के आप चेक कर सकते हो कि जो भी टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है, क्या उस टाइम इंटरवल में पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो क्या डायरेक्शन चेंज किया है कि नहीं किया है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अगर ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, एक क्वेश्चन ट्राई करो खुद से, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल x इक्वल टू 3 sin π t दे रखा है, ठीक है, देन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1/4 टू 3/4 सेकंड, इस टाइम इंटरवल में आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, बताओ कितना होगा, सबको समझ में आ रहा है, कोई आंसर बताओ जिसे सॉल्व किया हो, अध्याय बताओ कितना आंसर आया, सॉल्व इतना टाइम लगाएगी,
चलो एटलीस्ट एक क्लास होने से भी सबका नाम और चेहरा तो याद हो गया है, इतना तो हुआ है कम से कम। अक्षत तुम नहीं आते जी कल क्लास में? कौन गया? हिमांगी बताओ आंसर। सर बना रहे हैं। आज इस साल बना लगी, अगले साल बनाएगी, क्या सर? इसी साल बना लोगी ना 2021 में ही, इतना टाइम लगेगा। ऑब्वियस टर्निंग का केस तो होगा ही, बस आपको देखना है कि किस पॉइंट पे वेलोसिटी टर्न कर रहा होगा, कितना टाइम पे करेगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पहले भी बोले थे, वो सब चीजें क्लियर रखो, नहीं आता है इसको जाके प्रैक्टिस करो। फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप अगर हर चीज नहीं पढ़ोगे तो आगे और दिक्कत आएगा, तो हर एक चीज जितना पढ़ाया जाता है जितना बताया जाता है उसको घर पे जाके प्रैक्टिस करो। अब बच्चे नहीं रह गए हो, एक दिन भी क्लास छोड़ोगे तो दिक्कत होगा, तो होगा किसी दिन क्लास में कम समझ में आएगा, किसी दिन बढ़िया समझ में आएगा, लेकिन क्लास छोड़ना नहीं है, किसी दिन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे चलना है चलने दो, अपने को पढ़ते रहना है, बस ध्यान रखना है कि हर चीज जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं, बस। सर डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है मेरा। हाँ वेरी गुड। एंड डिस्टेंस एक मिनट से कैलकुलेट कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट निकालने कुछ करना ही नहीं है, देखो कितना टाइम लगा रहे हो। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के चलो क्या होगा, तो फाइनल सर डिस्प्लेसमेंट 0 है क्या? हाँ डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, क्योंकि ए शिफ्ट डिपेंड करेगा आपके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। तो फाइनल पोजीशन कैसे निकालेंगे, तो फाइनल कौन सा होगा, जब टी इज इक्वल टू 3/4 सेकंड हो जाएगा, यानी आपको क्या करना है, यानी एक्स 3/4 पुट करना है माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या होगा, तो एक्स इनिशियल क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 1/4 सेकंड क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल यहीं से मूव करता हुआ यहां तक पहुंचा है, ये हमारा इनिशियल कंडीशन हो गया, हमारा फाइनल कंडीशन हो गया, यानी एक्स 1/4। और एक्स 3/4 कितना होगा, तो एक्स का जो फंक्शन है वहां पे टी इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 3/4 पुट कर देंगे, तो 3 × sin of π, ठीक है, और टी की जगह क्या पुट कर देंगे, 3/4 पुट कर देंगे, यही करेंगे ना, माइनस, ठीक है, x 1/4 कितना आ जाएगा, तो 3 sin of π × 1/4। बताओ साइन 3/5/4 की वैल्यू कितना होगा, बताओ 1/√2। ऐसे डायरेक्टली बता दो ना, जैसे कि 3π/4 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, पाई थ्री बाई माइनस रूट टू पाई बाई फोर लिख सकते हैं, 3π/4 को लिख सकते हैं हम लोग। अरे बोलो, यस सर। लिख सकते हैं ना, तो बताओ इसको हम लोग ऐसे लिख दें, अगर साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई फोर माइनस 3 × sin of π/4। अब बताओ साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, ये सब क्वेश्चन देने का मतलब से अपने को ये सब बेसिक चीज़ आपसे क्लियर कराना है, बहुत ज़्यादा टर्निंग नहीं सिखाना मेरे को, लेकिन ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्लियर रख कर रख, रखना है हमको, इसलिए सब क्वेश्चन दिया हूँ। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा सबको याद है, साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में,
पाई माइनस थीटा देखोगे तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये पाई माइनस थीटा देखोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा कितना जाएगा, साइन थीटा हो जाता है, तो 3 × sin π/4 माइनस 3 × sin π/4 तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हो जाएगा। Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ करना ही नहीं था, फटाफट आपको हो जाता, तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है और पार्टिकल का वेलोसिटी तो होगा ही कुछ ना कुछ, तो ऑब्वियस है कि डिस्टेंस जीरो तो नहीं आएगा, ठीक है, इसका मतलब टर्निंग वाला केस हुआ होगा। तो कहाँ पे टर्निंग हुआ होगा, कैसे पता चलेगा, तो टर्निंग देखने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वी इक्वल टू कैसे निकालेंगे, वेरी गुड, डी एक्स बाई डी टी। तो डी ऑफ एक्स, एक्स क्या था हमारा, 3 sin π t बाई डी टी, तो बताओ इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा, तो कॉस ऑफ पाई टी इंटू, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इंटू क्या होगा, पाई आ जाएगा, पाई इंटू क्या आ जाएगा, पाई, ये है इसका कंप्लीटली डिफरेंशिएशन। इसमें किसी को दिक्कत है तो, इसमें कोई भी दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना, तो वेलोसिटी का फंक्शन आ गया आपको 3 × π × cos π t, ठीक है। तो वेलोसिटी देखो जीरो कब होगा, वेलोसिटी जब जीरो होगा, जब cos पाई टी कितना हो जाए, जीरो हो जाए, एक टर्म अगर जीरो हो जाए, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर t इक्वल टू 1/2 पुट कर दें हम लोग, t इक्वल टू हो जाएगा तब 1/2 पुट कर दें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि cos पाई बाई टू वैल्यू कितना होता है, cos 90 जीरो होता है, cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। यानी अब देखोगे तो t इक्वल टू 1/2 पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। यानी एक कंडीशन क्या हुआ होगा, तो इस कंडीशन पे उससे पहले क्या होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, क्योंकि जीरो से लेकर 90 तक तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और t इक्वल टू 1/2 पे वेलोसिटी जीरो हुआ है, उसके बाद देखोगे तो क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और लौट के पार्टिकल वापस यहीं पे आ गया, ठीक है। ये हो गया t इक्वल टू 0 सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पे था, स्टार्ट किया था, t इक्वल टू सेकंड तक इस डायरेक्शन में मूव किया है यहाँ तक, और t इक्वल टू 3/4 सेकंड में पार्टिकल, सॉरी t इक्वल टू 0 नहीं, 1/4 से स्टार्ट किया है ना, t इक्वल टू 1/4 से स्टार्ट किया है, 1/4 से पार्टिकल स्टार्ट किया है, और यहाँ से 1/2 तक इसका वेलोसिटी क्या रहा है, पॉजिटिव रहा है, ठीक है। और वापस लौट के पार्टिकल क्या है, 3/4 पे यहीं पे आ गया, तभी तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ है। तो डिस्टेंस निकाल लो, कितना होगा डिस्टेंस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले डिस्टेंस निकालो कितना होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना होगा डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे, तो एक्स 1/2 माइनस एक्स 1/4 ये करेंगे ना, तो निकाल बताओ कितना आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 2 times ऑफ, ठीक है, एक्स 1/2 माइनस एक्स 1/4, बस पुट कर दो और वैल्यू निकाल लो, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, किसी को दिक्कत, 6 − √2, वेरी गुड, 6 − √2 सबका आ गया क्या, बोलो, यस सर, किसी को सर आ गया, दीक्षा, क्षितिज, क्षितिज का, यस सर, आ गया मेरा, आ गया ना सबका। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कहीं दिक्कत नहीं होगा, हिमांगी बोलती है आजकल कम हो, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ सर, बन गया, बन गया ना, वेरी गुड। चलो तो ये आपका वेलोसिटी हो गया, हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालना देख लिए थे,
ठीक है, ये चीज करवाया है हमें सर क्वेश्चन कि मान लो कि s by 2 डिस्टेंस चला v1 से, फिर s by 2 चला v2 से, तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, या फिर ये वाला क्वेश्चन कि s by 2 चला v1 से, ठीक है, फिर नेक्स्ट हाफ टाइम तक v2 से चला, ये वाला क्वेश्चन करा देते ना। हाँ सर। फिर नेक्स्ट हाफ अगर v3 से चला तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इतना चीज क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ठीक है, क्या होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी तक हम लोग जहां भी देख रहे थे वहां पे वेलोसिटी, ठीक है, अगर मान लो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक हम कॉलम बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी का कॉलम है और ये हमारा टाइम का कॉलम है, ठीक है। मान लो t = 0 पे किसी पार्टिकल का वेलोसिटी है, मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी किस में है, मीटर पर सेकंड में है, और t किस में है, सेकंड में है, ठीक है। मान लेते हैं t = 2 पे इसका वेलोसिटी अगेन कितना है, 2 है, ठीक है। फिर मान लेते t = 4 सेकंड पे इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी कितना है, मान लेते हैं कि 4 मीटर पर सेकंड है। t = 6 सेकंड पे इसका वेलोसिटी कितना आ गया, मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकंड है। t = 8 पे इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि अगेन कितना हो गया है, 4, ठीक है। और t = 10 पे इसका वेलोसिटी कितना हो गया है, 2, और t = 12 पे इसका वेलोसिटी कितना हो गया है, 0, ठीक है। मान लो किसी पार्टिकल का टाइम के साथ वेलोसिटी इस तरह से दे रखा है कि t = 0 पे वेलोसिटी 2, t = 2 पे वेलोसिटी कितना होगा, 2, t = 4 पे, तो ये जो पार्टिकल का आप देख रहे होगे तो यहां से लेके यहां तक क्या वेलोसिटी चेंज कर रहा है, क्या t = 0 से लेके t = 4 तक आप देखोगे तो वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है। लेकिन 4 से 2 के बाद, 2 के बाद देखोगे तो वेलोसिटी क्या कर रहा है, 2 से 4 तक, सॉरी ये ज्यादा बन गया बड़ा, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और 2 से देखोगे तो 2 से लेके 6 तक, ठीक है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर सेकंड, तो यहां पे वेलोसिटी क्या कर रहा है आपको, इंक्रीज कर रहा है। अगेन देखोगे तो यहां से वेलोसिटी क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आप देखोगे किसी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी क्या है हमारा, कांस्टेंट है, किसी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी हमारा इंक्रीज कर रहा है, और किसी टाइम इंटरवल में वेलोसिटी हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जब भी किसी पार्टिकल का वेलोसिटी अगर इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यहां से यहां तक क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। जब भी हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, जब भी हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर सेम, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहा होगा और साथ साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा होगा। अगर डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो स्ट्रेट लाइन में तो क्या होगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। डायरेक्शन क्या है, क्योंकि सारा वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और साथ साथ अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जबकि यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी क्या कर रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, चेंज, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी क्या करेगा आपका, चेंज करेगा, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेलोसिटी या तो इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, दोनों केस में बोलेंगे मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यानी जब भी वेलोसिटी चेंज करेगा कोई ना कोई क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, या तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा। तो किसी भी, ठीक है, वेरिएबल मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम एक वर्ड डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन, एक वर्ड डिफाइन करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है। एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन को हम डिनोट किससे करेंगे, ए से। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वी बाई dt। जिस तरह से हम लोग वेलोसिटी बोले थे कि वेलोसिटी क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उस तरह से एक्सेलरेशन क्या जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। या फिर इसको हम लोग बोलेंगे इस तरह से कि v, v इज इक्वल टू क्या था, तो v इज इक्वल टू था dx by dt, बाई क्या होगा dt, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि d2x by dt square, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गया आपको dv by dt, आप उसको चाहो तो, ठीक है। यानी वेलोसिटी को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन मिलेगा। या फिर पोजीशन को क्या करोगे आप, दो बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एवरेज ऐसे कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, ए एवरेज कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, ए एवरेज इक्वल टू क्या होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा वी को क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय डेल्टा टी क्या होगा, हमारा टाइम इंटरवल, डेल्टा टी हमारा टाइम इंटरवल, ठीक है। अगर आप एक टाइम इंटरवल की बात कर रहे हो, ठीक है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, एक घंटा, दो घंटा, उस टाइम इंटरवल में जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है कितना होगा, तो एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन करेंगे एवरेज, उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, एवरेज, ठीक है। उस टाइम इंटरवल में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई जो भी टाइम इंटरवल होगा, क्या देगा आपको, एवरेज एक्सेलरेशन देगा, एवरेज एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो v एवरेज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा v बाई डेल्टा t, ठीक है, कोई दिक्कत। और एक्सेलरेशन कैसा होगा, क्वांटिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या होगा, इसके साथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होंगे, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा, ठीक है, वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी कहते क्या था, मीटर पर सेकंड, एक और टाइम से डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड
स्क्वायर, ठीक है, और जो इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा किधर की ओर होगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज along the direction of change in velocity, ठीक है, कहने का मतलब अगर मान लो कि किसी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी था, मान लेते हैं कि u इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं किसी पार्टिकल की वेलोसिटी था u इस डायरेक्शन में, एंड फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, v इस डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी क्या था, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी करने का मतलब क्या होगा, डेल्टा वी की बात करें तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, वी इस डायरेक्शन में हो गया, और माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी करेंगे तो माइनस ऑफ यू कितना होगा, आप अगर डायरेक्शन चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ यू हो जाएगा, माइनस ऑफ यू हो जाएगा माइनस ऑफ यू, तो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा किधर होगा, तो वी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस यू वेक्टर, वी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस यू वेक्टर किधर होगा, कहीं इधर क्यों होगा, ये आपका जाएगा वी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ यू वेक्टर, यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहीं इधर होगा, ये आपका क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, वही बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस u जिस डायरेक्शन में होगा, v माइनस u मतलब v प्लस ऑफ माइनस u जिस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा उसी डायरेक्शन में होगा, तो आपका डायरेक्शन पता चल जाएगा और ये आपका आपको मैग्नीट्यूड दे देगा, ठीक है, dv बाई dt या फिर डेल्टा v बाई डेल्टा t, क्लियर, बताओ, यस सर, ठीक है, तो आपका इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे, किसी को दिक्कत है, ठीक है, नहीं ना आगे बढ़े, इससे आपसे पूछता हूं, चलो बताओ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, एग्जांपल के तौर पे पूछता हूं, मान लो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, U जब भी बोलेंगे तो U क्या हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, और V हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, V हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी होगा, ये हमारा U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ध्यान रखोगे इस चीज को, अब जब भी हम लोग U लिखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी को ही लिखेंगे, ठीक है, और V हम लोग फाइनल वेलोसिटी को लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी को लिखेंगे, ठीक है, तो बताओ तो यार एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, so the direction of right की तरफ, किधर की ओर होगा, ऊपर से नीचे की ओर, इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, या फिर इधर की ओर होगा, चार अगर ऑप्शन हो, 1 2 3 4, तुम सेकंड बोलते हो, क्या हो जाएगा, v माइनस u तीन देते हैं, v माइनस u किधर होगा सर, सेकंड ऑप्शन, बड़ा मां मारेंगे तुम लोगों को, माइनस यू किधर होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा यू है, तो वी माइनस यू, तो माइनस यू क्या होगा, इधर होगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ यू, ये होगा ना, इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या जाएगा, डायरेक्शन किधर आएगा, इधर क्यों आएगा ना, दो वेक्टर को ऐड करते हो, एक वेक्टर ऐसा हो, एक वेक्टर ऐसा हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, कहीं 20 से जाता है ना, रिजल्ट वेक्टर कैसा होता है, कहीं 20 से जाता है ना, वेक्टर एडिशन, इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे इस तरह से, ठीक है, एक के हेड पे दूसरे का टेल मिलाओगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट ही आएगा, ऐसे बताए थे दो वेक्टर आपको ऐड करना हो तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इसके 20 से जाएगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन होगा, बोलो, yes, तो कैसे गलती की, बताओ कौन सा होगा,
तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये सब बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। इस पे आपको कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, लेकिन अगर ये सब चीज अगर क्लियर नहीं रहेगा तो गारंटी है कि फिजिक्स आप नहीं पढ़ पाओगे और आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जब भी चेक करना हो, बस तुम लोग कोई दिक्कत नहीं है जी, 5:20 तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, पढ़ सकते हो ना। अरे बोलो सर। हिमांगी, क्षितिज, कोई दिक्कत तो नहीं है 5:20 तक, पढ़ लोगे ना? नहीं सर, पढ़ लेंगे, पढ़ लेगा सब अच्छा बच्चा है, ठीक है। ऐसे शायद टाइम टेबल चेंज होगा, क्योंकि एक घंटे मतलब 2 घंटे का तो ऑनलाइन क्लास नहीं लगा सकते हैं, 2 घंटे तक कंटिन्यू स्क्रीन देखना अच्छा भी नहीं है, थोड़ा ब्रेक होना चाहिए बीच में। तो आज के लिए तो झेल लोगे एक दिन, तो अगर नहीं होगा तो भी बता देना। ये क्या आ जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा किधर होगा, जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होगा, जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होगा, ठीक है। अगेन सेम चीज कि जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बताओ अध्याय, बताओ तो सर करेगा। इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, शॉर्ट फॉर्म में फ्रेम ऑफ रेफरेंस FOR, ठीक है। ऑब्वियस वेलोसिटी क्या करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि हर फ्रेम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग आएगा। ट्रेन वाला एग्जांपल दिया था ना, एक ट्रेन के रिस्पेक्ट सॉरी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी देखोगे तो किस तरह से चेंज हो रहा था, कभी 10 आ रहा था कभी 50 आ रहा था। तो अगर वेलोसिटी ही फ्रेम पे डिपेंड करता है तो एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। और वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा था क्योंकि पोजीशन क्या कर रहा था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है। किसमें तो अच्छा, हेलो एक, ठीक है यहां तक, ठीक है। एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। और शायद आप लोगों का नेक्स्ट क्लास 5:20 से ही है, 5:10 से ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास 5:10 से है तो हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्टॉप कर रहे हैं तो हम तो क्वेश्चंस करवा पाए नहीं, लेकिन फिर भी एक बार होमवर्क देते हैं, आप लोग ट्राई करके आना। नहीं बनेगा तो कोई दुख होने की बात नहीं है, क्योंकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा नहीं पाए, हम लोग इस पे बेस्ट एक्सेशन पे क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई करोगे क्वेश्चंस करने का, होगा तो अच्छी बात है, और ना हो तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी हम एक भी क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस हम लोग नहीं किए। एक्सरसाइज 1 में देखना, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक एक बार ट्राई करना, ठीक है, बने तब भी ठीक है, नहीं बने तब भी ठीक है, 6 से लेके 10 तक। उसी तरह से एक्सरसाइज 2 में भी जाओगे, एक्सरसाइज 2 में भी जाओगे तो उसमें सब टॉपिक मेंशन होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक 5-5-10 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना, थोड़ा एफर्ट डालना, बनता है कि नहीं बनता, बनेगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। पहले हम कल नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे तो इस पर बेस्ट क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। फिर आपके जो भी डॉट रहेंगे उसको मैं लूंगा, ठीक है। आज कल इतना ही, किसी को कुछ पूछना है? एक्सरसाइज 1 में 6 से लेके 10 तक, एक्सरसाइज 2 में भी 6 से लेके 10 तक। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। लास्ट में इसका डिस्कनेक्ट हो गया था स्वयं का।